तो गाइज यहाँ पर जो हमारे सामने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में रहते थे बॉलीवुड के अभिनेता सत्येन कप्पू साहब। जी हाँ दोस्तों, सत्येन कप्पू जी को आप लोग कई फिल्मों में देखा होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉफ्ट में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज एक नए वीडियो की एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी सुबह के बज गए हैं 10 और हम खड़े हुए हैं मुंबई के वर्सोवा में सात बंगले पे। जी हाँ दोस्तों, सात बंगला एरिया में अभी खड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दें कि सात बंगले का नाम अगर लेंगे तो बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्री हमारे दिमाग में आ जाएंगे जो कि यहाँ पर रहते हैं, जिनमें से एक का हम इस बार घर दिखाने वाले हैं, जिनका नाम है सत्येन कप्पू। जी हाँ दोस्तों, सत्येन कप्पू वो एक्टर हैं जिनके जिनको शायद आप लोग उनके असली नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन उनका जब थंबनेल आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में कई सौ फिल्मों में इनको बाप का रोल के मतलब निभाते हुए देखा। या तो वो हीरो के बाप बनते थे या तो हीरोइन के बाप बन जाते थे भैया। और अगर नहीं तब भी समझ पाते हो आप लोग तो एक फिल्म आई थी शोले, और शोले का तो हर एक करेक्टर आप लोगों को याद है मुझवानी, तो उसमें जो रामलाल बने थे ना ठाकुर के यहाँ, जो रामलाल काम किया था रामलाल का ना, वो रामलाल हैं सत्येन कप्पू साहब जी, जिनका घर है जो अभी तो वो नहीं है लेकिन जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वो बिल्डिंग यही सात बंगलों पर स्थित है। तो चलिए आज उसको हम दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नहीं जाते हो तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो ये आपके हाथ में, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, मेरा काम है उनका घर दिखाना जहाँ पे वो रहा करते थे और इतने जाने माने अभिनेता थे, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आप लोग हमारे रास्ता देख रहे हो, ये इधर से अभी हम लोग आए हुए हैं, ये इधर से जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो 50 मीटर, तो ये सात बंगलों है और सात बंगलों का ये जो रास्ता है ये देख सकते हो इसके पीछे का जो, और जस्ट सी फेस ये घर है और इस बिल्डिंग का नाम है कैनवेरा। जी हाँ दोस्तों, कैनवेरा ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर रहते थे सत्येन कप्पू साहब जी। ये एक बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो कि ज़्यादातर पिताजी के रोल यानी कि बाप के रोल किया करते थे, चाहे वो हीरो हो चाहे वो हीरोइन हो, उन लोगों के वो बाप के किरदार किया करते थे। वैसे तो मुंबई में वो इसी बिल्डिंग में रहा करते थे जो कि ये मुंबई के सात बंगलों जगह पर स्थित है। और सत्येन कप्पू जी के बारे में क्या बताया आप लोगों को, कुछ अगर पर्सनल जानकारी इनके बारे में अगर देना चाहें तो सत्येन कप्पू का जो नाम है वो सत्येन कपूर है और इनका वास्तविक नाम सत्येंद्र कपूर ही है, और ये पेशे से एक अभिनेता थे बॉलीवुड में। इनको जो है फिल्म शोले जो कि 1975 में आई थी उसमें इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया था रामलाल का, ठाकुर के घर नौकरी करते हैं ठाकुर साहब जो होते हैं फिल्म शोले में, उनके यहाँ ये नौकर का रोल किया था उन्होंने, जिनका करेक्टर का नाम था रामलाल। जी हाँ दोस्तों, शोले फिल्म के रामलाल सत्येन कप्पू जी मुंबई के इसी घर में रहते थे और ये इनकी प्रसिद्ध भूमिका थी। और अगर इनकी पहली फिल्म की बात करें दोस्तों, तो इनकी पहली फिल्म आई थी काबुलीवाला 1961 में, जिसमें इन्होंने पहली बार काम किया था, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था काबुलीवाला फिल्म से 1961 में ये रिलीज हुई थी। और आखिरी फिल्म की दोस्तों इनकी बात करें तो आखिरी फिल्म इनकी आई थी 2006 में, जिसका नाम था सरहद पार। 2006 में इनकी आखिरी फिल्म सरहद पार में इन्होंने काम किया था। अगर सत्येन कपूर जी के बारे में बात करें तो इनके जन्म जो है 1931 में इनका जो है जन्म हुआ था पानीपत पंजाब में, जो कि ब्रिटिश भारत उस समय था और अभी पंजाब भारत में है, पानीपत भारत में ही स्थित है। इनकी मृत्यु जो है 27 अक्टूबर 2007 को हुई थी। 2006 में ये जो है अपनी अंतिम फिल्म करके 2007 में जो है इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी जो मृत्यु है वो सुंदर नगर मुंबई में हुई थी। ठीक है, और मृत्यु के समय ये 76 वर्ष के थे। और दिल का दौरा यानी कि दिल की धड़कन का रुकना जो है इनकी मृत्यु का कारण था, इनकी दिल की धड़कनें जो है वो रुक गई थी, है ना। तो आप लोग देख सकते हो इनके पास भारत की नागरिकता थी और इनका जो घर है वो पानीपत में भी अभी भी है, तो ये विवाहित थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम तो मालूम नहीं क्योंकि इतने बड़े वो
अभिनेता हो नहीं पाए जिस हिसाब से उनको प्रसिद्धि मिलनी थी, लेकिन हाँ साइड रोल वो जो किए हैं उन्होंने उसकी वजह से अपने अभिनय से बार बार फिल्मों में वो नज़र आते रहे। बच्चों की बात करें तो उनकी जो है 4 बेटियों में से उनकी 2 बेटियाँ तृप्ति कप्पू शर्मा और उमा भारद्वाज हैं। ठीक है, माता पिता के भी इनका कोई पता जता नहीं है। और देखिए इन्होंने रामलाल का किरदार जो है निभाकर बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बना ली थी। वैसे तो कहा जाता है कि भैया शोले फिल्म का गब्बर तो गब्बर, सब करेक्टर तो करेक्टर या धन्नो फेमस हो गई थी। इस फिल्म की घोड़ी वो तक फेमस हो गई थी, उस फिल्म का सिक्का वो तो फेमस हो गया था, उस फिल्म की पानी की टंकी तक फेमस हो गई थी। तो और करेक्टर की तो बात ही ना करो, जो उसकी काली पहाड़ी थी वो सब फेमस हो गए थे भाई। इस तरीके की वो फिल्म बनाई जाती थी। और इन्होंने अमिताभ बच्चन की एक और बड़ी फिल्म दीवार में भी इन्होंने काम किया है, शिव शक्ति फिल्म में भी काम किया 1993 में अजय देवगन के साथ में, दिल का क्या कसूर 1992 में उसमें इन्होंने काम किया, बेनाम एक 1974 में फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की उसमें इन्होंने काम किया, प्रतिज्ञा एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र साहब की 1975 में उसमें इन्होंने काम किया, ईमानदार नसीब अपना अपना एक आई थी ऋषि कपूर साहब की उसमें इन्होंने काम किया, रास्ते का पत्थर 1972 में फिल्म आई थी शत्रुघ्न सिन्हा साहब जी उसमें इन्होंने काम किया, एक दुनिया फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब की 1984 में उसमें इन्होंने काम किया, चरणों की सौगंध 1988 में आई थी उसमें इन्होंने काम किया, मैं और मेरा हाथी इसमें इन्होंने काम किया मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ में, मजबूर फिल्म आई थी उसमें इन्होंने 1974 में काम किया। आप देख सकते हो ना 70s 80s 90s के दशक में इन्होंने कितना काम किया है, जो सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है अपनी फिल्में हैं वो 70s के दशक में इन्होंने करी हैं और 90s के दशक में फिल्म करी है। मंजिल फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन के साथ में तो बहुत ही काम किया है, ये हम कहें कि उस समय के बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है। और धर्मेंद्र साहब हो गए अमिताभ बच्चन साहब हो गए, उस समय के सुपरस्टार रहे, अभी भी सुपरस्टार हैं भाई। उस समय उनके साथ काम करना लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग चाहते थे, धर्मेंद्र साहब के साथ काम कर लिया है ना, और जब आए तो आमिर खान के साथ काम कर लिया, मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम कर लिया, ऋषि कपूर साहब के साथ काम कर लिया, जो कि सत्यन कपूर साहब ने बहुत सारी फिल्में करी। आप लोगों ने किन किन फिल्मों में उनको देखा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुंबई के इसी घर में रहा करते थे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग खड़े हैं सत्येन कप्पू जी की उस बिल्डिंग के सामने जहां पर वो कभी रहते थे, लेकिन अभी उनकी फैमिली वाले रहते हैं। और सत्येन कप्पू जी 2007 में उनकी डेथ हो गई थी दिल की धड़कन रुकने की वजह से, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे बॉलीवुड अभिनेता थे जिन्होंने 390 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था और सबके दिलों पर राज किया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग उनके कई अलग अलग किरदार देखा करते थे हर मूवी में, कहीं वो जज बन के आते थे तो कहीं वकील बन के आते थे, कहीं पुलिस वाले बन के आते थे, कहीं रामू काका के किरदार में वो नज़र आते थे। तो शोले फिल्म में भी उन्होंने रामू काका का जो है किरदार निभाया था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई 390 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपना अभिनय दिया है। और पानीपत से आए, यहाँ पर उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और अपना मुकाम बनाया, फिल्मों में काम किया, करीब 4 से 5 दशक तक उन्होंने लगातार काम किया इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। तो ऐसे ही सत्येन कप्पू जी के अभी बिल्डिंग के सामने खड़े थे। और आप लोग कौन कौन इनको जानता है, कौन कौन इनको किस किस फिल्मों में देखा है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोग इनको जानते हो मुझे पता है। और शायद ही किसी ने इनका घर दिखाया है, तो आज पहली बार शायद हमने दिखाया है इनका घर कि ये मुंबई में कहाँ पर रहते थे, तो आप गूगल करके भी देख सकते हो जाके। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के पे क्लिक कर देना। और इंस्टाग्राम पर अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हो या हम जुड़ना चाहते हो या हमारे साथ लाइव में आना चाहते हो, तो यहाँ पर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।